स्वागत है आपका। देखिए क्लास में आगे बनती, हम ट्रेन पढ़ लेते। तो ट्रेन में हमने देखा था थोड़ा सा एडवांस की ओर चल रहे हैं। देखें सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या, कैसे करें इसको। सवाल में क्या कहा इसने, एक रेलगाड़ी है कितना समय लेती है, 12 सेकंड का। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद को पार करेगी, आप इस चीज का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पे खंबे को पार करे या व्यक्ति को पार करे तो इसका मतलब क्या है, वो खुद की लंबाई को पार करेगी। क्या करेगी, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। ये वाली साइड यहाँ आ गई तभी तो पार होगी। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन जब खंबे को पार करे या पेड़ को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। अब ट्रेन की जो लंबाई है, आप ट्रेन की लंबाई कितनी मानते हैं। ट्रेन की लंबाई हमने डी मान ली, रेल की लंबाई कितनी मानी, डी। खुद को पार करेगी कितने समय में पार कर रही है, 12 सेकंड में। दूरी बटे समय हो गया चाल, दूरी बटे समय क्या हो गया, चाल। खुद की लंबाई को उसने 12 सेकंड में पार किया, यानी डी जो है क्या है, रेल की लंबाई है। डी क्या चीज है, डी रेल की लंबाई है। अब कह रहे हैं क्या, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में। अब हमें ये बताइए, जब 400 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, ये कितना है, 400 मीटर लंबा है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, डी है। रेल की लंबाई कितनी है, डी है, ये डी है। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी जो हो गई डी प्लस 400 हो गई, यानी दूरी जो हुई हमारे पास, दूरी कितनी हुई, दूरी हमारे पास हुई डी प्लस में 400, ये दूरी हुई। ये क्या हुई, दूरी, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो ये क्या चीज होगी, दूरी होगी। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी कितनी मिली आपको, दूरी मिली डी प्लस में 400, खुद की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, बटे समय कितना लिया, 30 सेकंड। दूरी बटे समय क्या हो गया, चाल। दूरी बटे समय क्या हो गया, चाल। दोनों चालें एक ही रेलगाड़ी की चालें, तो चाल तो बराबर होगी, यानी यहाँ बराबर का निशान हम इसको लगा लें। अब इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट देखो कैसे करें, आपको अगर थोड़ा छोटा करना है छोटा कर लें, 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 से इसको काट लें कितनी बार कटेगा, 6 पंजे 30, गुणा कर लें इधर कितना आ जाएगा, 5D, कितना 5D बराबर इसकी गुणा कर लें 2D प्लस में कितना 800, प्लस में कितना 800, इधर लाके घटा दें, 5D में से कितना घटाना है, 2D घटाना है, बराबर में कितना होगा 800, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 3D बराबर आ जाएगा हमारे पास 800, तो D बराबर कितना आएगा, D बराबर आएगा 800 बटे में 3। D की वैल्यू आ गई, D का मतलब रेल की लंबाई आ गई, क्या आ गई, रेल की लंबाई आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, आपको क्या मिला, ये आपको मिला रेल की लंबाई, रेल की लंबाई मिल गई, रेल की लंबाई मिल गई, रेल की लंबाई कितनी मिली हमें, रेल की लंबाई हमें मिली है 800 बटे 3, 800 बटे 3 मीटर मिली है, क्या मिली है, 800 बटे 3 मीटर। चलिए अब क्या कहा उसने, रेलगाड़ी की चाल पूछी उसने, समय नहीं पूछा उसने, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछी उसने, क्या पूछ लिया, रेलगाड़ी की चाल, क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, चाल बराबर में दूरी बटे समय। तो हमने बताया कि दूरी यही तो है, रेल की अपनी लंबाई को पार कर रही है 12 सेकंड में, तो दूरी कितनी है, डी है, समय कितना है 12 सेकंड, दूरी कितनी है, दूरी हमें मिली है कितनी, डी, दूरी है रेल की लंबाई जो है वो कितनी है, डी, और समय कितना है, पहली कंडीशन से दे रहे हैं समय है 12 सेकंड। अब डी की वैल्यू ये दे रखी है, मान लगा दें चाल निकल के आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी है 800 बटे में 3, ये डी की वैल्यू है, और समय कितना है 12 सेकंड, ये चाल आ गई, ये चाल कायम आ गई, ये आई मीटर प्रति सेकंड, ये जो चाल आई है ये कायम आई है, ये आई है मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखो उसने किमी प्रति घंटा पूछा है, क्या पूछा है, किमी प्रति घंटा, तो इसे किमी प्रति घंटा हमें करना है, किमी प्रति घंटे के लिए हमें क्या करें, इसे गुणा कर लें 18/5 से, क्या कर लें 18/5 से इसकी गुणा कर लें, देखो कैसे, 800 बटे में कितना 3 गुणा में कितना 12 गुणा में 18/5, ये किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कैलकुलेट कर लें, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से 3 कैंसिल, सही है,
पाँच दुनी दस यानी आ जाएगा 80 किमी प्रति घंटा। कितना आएगा? 80 किमी प्रति घंटा। तो 84 नहीं, ये कितना है? 80 किमी प्रति घंटा है। कितना है? 80 किमी प्रति घंटा है। ये बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो कितना होगा ये? 80 किमी प्रति घंटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है? सवाल नंबर है 17। देखें 17 में क्या है, सेम है। कहें एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का समय। व्यक्ति को पार करने में, इसका मतलब डी जो रेलगाड़ी है खुद की लंबाई को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी कितने समय में? 8 सेकंड में। और कितने लंबे मीटर? 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म को पार करेगी खुद की लंबाई को प्लस 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना? 20 सेकंड। बस इसे कैलकुलेट करना है, यहां से रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। टी क्या चीज है? डी है रेलगाड़ी की लंबाई, और यहां से क्या आना है? रेलगाड़ी की लंबाई आनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लें, थोड़ा सा छोटा कर लें, 4 दुनी 8 और 4 पंजे 20। ध्यान रहे आप बराबर में दिया है तो आप नीचे की से नीचे की संख्या काटते हैं। शर्त यह है कि वो प्लस या माइनस में ना हो, गुणा में होगी तो कट जाए। गुणा कर लें, 5d, कितना? 5d बराबर में कितना? 2d प्लस में कितना? 32 दुनी 64। घटा दें, 2 घटा देंगे 3d बराबर में कितना? 640। डी बराबर में कितना आएगा? 640 बटे में 3। ये डी का मान आ गया, यानी दूरी आ गई। दूरी मतलब रेल की लंबाई आ गई। रेल की लंबाई कितनी आ गई? ये आ गई 640 बटे में 3। अब हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। हम क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो चाल हमें निकालनी है, डी का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 640 बटे में 3। और समय पहली कंडीशन में कितना था? 8 सेकंड। पहली कंडीशन में कितना है? 8 सेकंड। यहाँ पे रख दें तो ये चाल आ जाएगी, चाल आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट कर लें, और किमी प्रति घंटे में इसे 1/18/5 से यहाँ पे कर लो, 8 से 8 अट्ठे 64, ठीक। 3 × 6 = 18, कितनी बार कटा? 6 बार। 5 से काटा 16, और 16 × 96, 16 × 96 किमी प्रति घंटा। कितना है? 96 किमी प्रति घंटा। सी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। तो आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए आगे 18 नंबर है। 18 नंबर क्या कहा सवाल में? एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या? सेम सवाल है, और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप कर लोगे अगर पहले दोनों सवाल समझ में आए। तो इसका आंसर आप खुद निकालें और कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या कहा? एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल, ये भी सेम सवाल था, आप इसको भी सोते ही निकालें, अपने आप से कोशिश करें। सवाल नंबर 20 क्या है? सवाल देखिए, टाइप नेक्स्ट नया टाइप शुरू हो गया। इसमें क्या करना है हमें? उसने ये कहा सवाल में, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत 60 किमी प्रति घंटा और 80 किमी प्रति घंटे की चाल से आ रही हैं, जबकि रेलगाड़ी की लंबाइयां 300 मीटर और 240 मीटर हैं। इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्या कहा? दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत। अब यहां पर आप बात को समझ लें, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब ये हो गया, एक रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी ऐसे। अब कोई भी दूरी है, कोई भी दूरी है यहां से लेके यहां तक की दूरी है। अब ये एक इधर से चले, एक इधर से, यानी वो दूरी जल्दी कवर हो जाएगी, यहां पे ये मिल जाएंगी, तो वो दूरी क्या होगी? जल्दी कवर होगी। ऐसा कब होगा दूरी जल्दी कवर? जब होगी जब हम चालों को जोड़ दें, यानी चालों को जोड़ दें। जब ये ध्यान रहे, जब विपरीत रेलगाड़ियां आ रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी? ऐड होगी, यानी जुड़ेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो सापेक्ष चाल हम यहां से निकाल लें, सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, यानी 60 प्लस में कितना? 80, ये चाल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? चाल। ये कब है? जब ये है, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आए, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आए, तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है भाई? दूरी क्या होगी रेलगाड़ियों की लंबाइयां दोनों की? एक की लंबाई 300 मीटर है और दूसरी की लंबाई कितनी है? 240। हमेशा ध्यान रहे,
दूरी हमेशा क्या होगी, जुड़ती है, यानी रेल की लंबाई होगी वो जुड़ेगी, पुल की लंबाई होगी वो जुड़ेगी, तो दूरी को हमेशा क्या करना है, हमें ऐड ही करना है। ये क्या हो गई, दूरी हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक चीज का यहाँ ध्यान रहे, एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये क्या चीज दे रखा है, ये दे रखा है मीटर में, ये क्या है मीटर में। अब जब ये मीटर में है तो ये काय में आएगा, सेकंड में आएगा। ये ध्यान दें, ये काय में है किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, तो इसे आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बता दें क्या करना पड़ेगा, 5/18। ये बात आप समय दूरी की क्लास हमारी है उसमें समझ सकते हैं, या इसकी पहली क्लास है ट्रेन होल्ड क्लास, उसमें आप समझ सकते हैं, इसको बताया गया है विस्तार से, बाकी आप जानते हैं। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, कितना आया 140, कितना आया ये, 5 × में कितना 140, बटे में कितना है 18, ठीक, जोड़ दिया 60-80 कितना हो गया 140। इन्हें जोड़ लें, कितना आ गया इन्हें जोड़ने के बाद में 540 कितना, 540 बटे में कितना टी, बटे में कितना टी की वैल्यू हमें निकालनी है। आप ऐसे काट सकते हैं 0 से 0, क्या करेंगे टी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, टी बराबर निकलेगा आपका, टी बराबर निकलेगा 54 × में कितना 18 बटे में कितना 5 × 14। तो देखो इसमें 5 है, यानी फ्रैक्शन में जरूर जाएगी, कहानी काय में जाएगी, फ्रैक्शन में जरूर जाएगी, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर इनमें से कोई नहीं बनेगा। क्या बनेगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो डिवाइड कर लें, अगर गुणा भाग करेंगे तो पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में आंसर कुछ है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं बनेगा, आप कैलकुलेट कर लें इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप इसको देख लो, आसानी से इसको समझ लोगे, बस आपको इतना ध्यान रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और जब विपरीत है तो विपरीत में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, विपरीत में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो बता दें 54 + 36, ये तो चाल हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है हमारे पास 320 मीटर एक रेलगाड़ी की लंबाई, 400 मीटर एक रेलगाड़ी की लंबाई, बटे में कितना टी, बटे में कितना टी। इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें, इसे क्या कर लें, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करके देखते हैं कितना आगा, देखो जोड़ लें तो ये जोड़ के हो जाएगा 90, 5 × 90 बटे में कितना 18 बराबर में कितना 0, 6, 1, 0 फिर 2 और फिर 4 और 3, 7 बटे में कितना टी, 18 × 90 टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 720 बटे में कितना 25, 25 × 50 या काटो 5 से काटो, 5 × 25 5 × 5 2 बचा, 5 × 20 काटें 5 × 10 4 बज गया, 5 × 8 = 40 और 5 × 8 = 40 यानी कितना आ जाएगा 28.8 सेकेंड, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, विपरीत है तो चालें जुड़ जाएंगी, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना आपको आती होगी। ये ध्यान है मीटर प्रति, ये किमी में दिया होता है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का प्रयोग करेंगे, बाकी आप कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन आ गई होगी। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता है वो जीरो मैथ की क्लास देख सकते हैं, वो क्लासें पढ़िए, क्रम से आप देखें, क्रम से सोल्व करें, आपको मैथ आ जाएगा, कन्फर्म बता रहे हैं हम, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, आपको मैथ कन्फर्म आ जाएगा। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 54 किमी प्रति घंटे और 90 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। रेलगाड़ी की लंबाइयां 300 मीटर और 420 मीटर हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? देखो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, आपके क्या कहा है, विपरीत दिशा में नहीं कहा, आपके कहा कि एक ही दिशा में जा रही है, कितनी, एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा के लिए आप क्या करें, एक दिशा के लिए चालें क्या होंगी, घटेंगी, यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बड़ी वाली में से छोटी वाली चाल आप घटा दो, यानी 90 में से कितना घटा दें, 90 − 54 कर दें, ठीक, ये हो गई चाल, ये क्या हो गई, चाल हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है, दूरी ये हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे
दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। रेल की लंबाई हमेशा क्या होनी है, जुड़नी है, बटे में समय, समय आपको निकालना है, टी बराबर क्या करना है, निकालना है, 5/18। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो। हाँ देखो, चेक करके कैलकुलेट करके कितना आया, चलिए। हाँ किसी ने किया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक थी, कितना आगा 5/18, कितना 5/18 गुणा कितना आ जाएगा, घटाएंगे 36 बचेगा, यहाँ 6 और 8 में से 5 गया 3, 36 बचेगा, कितना होगा 720 बटे में कितना टी, 18 × 36 और 5 × 10 720 बटे में टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 72 सेकेंड, कितना 72 सेकेंड, टी बराबर क्या आ जाएगा 72 सेकेंड। चलिए एक दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए से बी की ओर 8:54 किमी प्रति घंटे की चाल से, दूसरी रेलगाड़ी 10:72 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती है, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने समय बाद पकड़ लेगी। अच्छा सवाल है, तो कैसे करना है हमें बस ये निकालना है, ज्यादा समस्या नहीं है, सिर्फ आप ये देखना है कि एक स्टेशन है यहाँ ए, इस स्टेशन से छूटी रेलगाड़ियां, ये स्टेशन बी है, बी की ओर छूटी, यहां से छूटी, अब एक छूटती है 10 बजे, कितनी, एक छूटती है 10 बजे, एक छुट्टी है 8 बजे, पहली वाली जो छुट्टी है 8 बजे छुट्टी है, दूसरी वाली कितने बजे छुट्टी है, दूसरी वाली 10 बजे छुट्टी है। बस इतनी सी इसमें बात थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक 8 बजे छुट्टी, एक 10 बजे, जो 8 बजे छुट्टी है उसकी चाल दे रखी है 54 किमी प्रति घंटा, पहली वाली की चाल कितनी है 54 किमी प्रति घंटा। तो आप सापेक्ष चाल कब अप्लाई करेंगे, सापेक्ष चाल आप जब अप्लाई करेंगे जब दोनों इक्वल समय हो जाए, यानी दोनों बराबर समय हो जाए, बराबर समय कब होंगे, यानी 10 बजे दोनों के समय क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी एक टाइम पे साथ चलें तो क्या होगा, सापेक्ष चाल का प्रयोग कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। तो हमें इससे करना है कितने 10 बजे तक जाना है, यानी हम 2 घंटे तक जाएंगे पहले कितना 2 घंटे तक, तो पहले एक रेलगाड़ी जो ए वाली है उसे 2 घंटे चलाना पड़ेगा, तो 1 घंटे में 54 जाती है, 1 घंटे में 54 अगर जाती है तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 2 घंटे में 54 × 2, 2 घंटे में इतनी जाएगी, सही है। ये क्या मिली तुम्हें, दूरी मिल गई, दूरी तो मिल गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, अब यही तो लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आपको निकाल, चाल क्या दे रखी है 54 दे रखी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आपको कितनी दे रखी है 54 दे रखी है, समय कितना है, दूरी आपको निकालनी है, समय आपका आया कितना 2 घंटे, 2 से गुणा करी तो ये दूरी तो आई, ये क्या चीज आ गई, दूरी आ गई, ये क्या आया है, दूरी आई है, तो दूरी हमारे पास कितनी है 54 × 108 किमी दूरी। अब दोनों क्या हुआ, दोनों साथ चली, एक की चाल कितनी है 72 किमी प्रति घंटा और एक की 54, एक ही दिशा में जा रही है, यानी पकड़ रही है, पीछे से पकड़ रही है, तो एक ही दिशा में जाएगी, तो चालें क्या होंगी, घटेंगी, चालें क्या होंगी, घटेंगी, यानी किस में से घटाना है आपको, बड़ी चाल कितनी है 72, इसमें से किसको घटाना है 54 को घटाना है। एक चीज ध्यान रखें, मीटर प्रति सेकंड और किमी प्रति घंटे का लोचा जो रहता है उसको आप समझ लें, यहां पे कोई भी मीटर प्रति सेकंड में कोई भी चीज नहीं है, चाल कोई भी मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किमी प्रति घंटे में है, रेलगाड़ी की लंबाई उंबाई का भी कोई मैटर नहीं है, तो देखो ये किमी प्रति घंटे में है, ये किमी में है, तो ये समय काय में आगा, घंटे में आगा, काय में आगा, घंटे में आगा, बस इसे कैलकुलेट करना है, इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें, घटा लेंगे कितना बचेगा 36 बचेगा, कितना घटा लें 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, यानी 18 बचेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 × 54 / t, 18 × 54, 3 × 6, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6 घंटे आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा 6 घंटे, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, क्या कहा, दो रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 7 बजे इतने किमी प्रति घंटे की चाल से, 10 बजे 100 किमी प्रति घंटे चाल से छूटती, सेम सवाल है, डायरेक्ट करके बता देते हैं, ये चली 7 बजे से कितने बजे तक, 10 बजे तक, यानी 3 घंटे चली, 3 घंटे में चला दोगे आप 60 × 3, 60 × 3 ये हो गई दूरी,
दूरी बटे समय आपको निकालना है, कितने समय बाद पकड़ी, समय क्या है निकालना है। बड़ी चाल में से छोटी चाल घटाते हैं, बड़ी कितनी है 100 है, छोटी कितनी है, बड़ी चाल है 100, बड़ी चाल कितनी 100, छोटी चाल कितनी है 60। यहां से घटा दोगे, 100 में से कितना घटा देना आपको 60 घटा देना है, तो आपके पास कितना बचा 40। टी बराबर जो आ जाएगा 60 गुणा में 3/40। जीरो से जीरो काटेंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 3 × 9 = 2 घंटे, यानी 4.5 घंटे, 4.5 घंटे यानी 4 घंटे और 30 मिनट। आंसर बी वाला इसका सही होगा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है आगे सवाल में। सवाल नंबर 26 क्या दिया सवाल में, सवाल में दिया है दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन ए से बी की ओर 5 बजे 80 किमी प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 7 बजे 120 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती है, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी कितने समय बाद पकड़ेगी। सेम सवाल है, आप इसको खुद करें और कमेंट में हमें इसका आंसर बताएं। चलिए अगला सवाल। एच का मतलब हवर है, हवर मतलब घंटे। क्या कहा, दो रेलगाड़ियां सुबह 5 बजे और 7 बजे क्रम से 60 किमी प्रति घंटा 80 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती हैं। ये रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी, ये रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करें। देखो दो रेलगाड़ियां हैं सुबह 5 बजे और 7 बजे क्रम से इतने की 60 किमी प्रति घंटे और 80 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती हैं। ये रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी, इसका मतलब एक दूसरे को पार करने का मतलब यह है कि ये एक ही दिशा में जा रही है। इसमें थोड़ा सा ये और लिखना चाहिए कि गाड़ियां एक दूसरे एक ही दिशा में जा रही हैं, जबकि गाड़ियां एक दिशा में, गाड़ियां क्या है एक दिशा में गाड़ियां ये जा रही हैं, गाड़ी क्या है एक दिशा में जा रही है, कितने बजे पार करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है। आपको क्या करना है, 5 बजे से 7 बजे तक चली यानी दूरी निकाल लेनी है, वही पैटर्न अपनाना है, वही पैटर्न आपको अपनाना है। ये बताइए कितने, 5 बजे से 7 बजे तक चली यानी 2 घंटे चली, 2 घंटे चली, 2 घंटे चलने के बाद में कितना, 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में इतना, 5 से 7 यानी 2 घंटे चली, 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में 120। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें समय निकालना है, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, समय निकाल लेंगे, चाल कितनी, सापेक्ष चाल घट जाएगी, 80 माइनस 60 कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 20 = 60 × 2/t, 20 × 60 टी बराबर कितना आया, टी बराबर आ गया हमारे पास 6 घंटे, कितना 6 घंटे। अब वो ये पूछता है कितने समय बाद पकड़ेगी, तो 6 घंटे बाद पकड़ लेती है, या कितने समय बाद मिलेगी, तो वही कितने समय बाद मिलेगी 6 घंटे बाद मिलेगी, लेकिन उसने ये पूछा है कितने बजे मिलेगी, क्या पूछा कितने बजे, तो बजे के लिए हमें क्या करना है, बजे में देखना है दूसरा टाइम कितना था, 5 बजे पहला टाइम है, दूसरा टाइम कितना 7 बजे, 7 बजे में ये 6 घंटे ऐड करने हैं, 7 बजे में जब 6 घंटे ऐड करोगे 7 और 6 = 13, 7 × 6 कितना हो गया 13, 13 बजे, 13 बजे का मतलब हो गया 1 बजे, कितने बजे 1 बजे, बात समझ में आ गई होगी, 7 बजे यानी बाद वाले समय में हम ये घंटे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 बजे, 13 कब बजते हैं बच्चों, 13 बजते हैं 1 बजे, कब बजते हैं 1 बजे। तो इसमें और उस सवाल में ये डिफरेंट था, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, कहने दो रेलगाड़ी सुबह 7 बजे से 7 बजे और 10 बजे 80 किमी प्रति घंटा और 120 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती हैं, रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा की कंडीशन है, कब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, ये क्या कंडीशन है एक ही दिशा में। चलिए आप फिर वही 7 बजे से 10 बजे तक चली, पहले ये बताओ कितनी दूरी चली, 7 से 10 3 घंटे चली पहली वाली रेलगाड़ी, तो 80/3 80 × 3 ये तो दूरी हो गई, ये क्या हुई दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय आपको निकालना है, सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगी घट जाएगी, यानी 120 में से कितना घटा दें, 120 में से 80 हम माइनस कर दें, कितना बचेगा हमारे पास 40, कितना बचेगा 40, 80 × 3/t 40 × 80 कितना हो गया 80, टी बराबर कितना आ गया 6 घंटे, टी बराबर हमारे पास कितना आया 6 घंटे आ गया। चलिए
छः घंटे जोड़ दें किसी में, बाद वाले समय में 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 बजे कब, 16 बजे, 16 बजे। अब भैया 16 कब बजेंगे, 13 पे आपने देख लिया एक बजा था अभी, 14 पे 2 बजेंगे, 15 पे 3 बजेंगे, 16 पे 4 बजेंगे, यानी 4 बजे क्या होंगी, एक दूसरे को पार कर लेंगे या मिल जाएंगे। कितने बजे, 4 बजे। तो आप जोड़ सकते हैं 16 कब बजेंगे, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां सुबह 10 बजे और 12 बजे क्रम से 60 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती हैं, रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। सेम सवाल है, आप इसको खुद करेंगे, एक ही दिशा की बात हो रही है ये। तो उम्मीद करते हैं जल्दी इस सवाल को कर लोगे, करने के बाद में हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। चलिए एक और सवाल है, टाइप नया आ गया, इस टाइप को हम समझा देते हैं, थोड़ा नॉर्मल ही रख के हमने पढ़ाया, ज़्यादा स्लो नहीं और ना ही ज़्यादा फास्ट किया है। जो न्यू बच्चे हैं वो पहले बेसिक क्लास हमारी देखें, बेसिक क्लास हमने पढ़ाई हुई है जीरो लेवल वाली, स्टेप टू स्टेप समझाया, क्रम से नंबर से क्लास देखें, जीरो लेवल वन क्लास, जीरो लेवल क्लास टू, ऐसी इस तरीके से वन तक, वन से देखना स्टार्ट करें, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, उसे समझेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। कमेंट करके बताते रहे नंबर से पढ़ोगे कि कौन सी क्लास हमें पहले देखनी है, बताते रहेंगे सीरियल से आपसे, नहीं मैथ कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है, करें एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे 60 किमी प्रति घंटे चाल से छूटती है, एक अन्य रेलगाड़ी उसी स्टेशन से 9 बजे 100 किमी प्रति घंटे की चाल से छूटती है, कितनी दूरी पर ये रेलगाड़ियाँ इसको पकड़ ली। आपका क्या पूछा, दूरी, बात वही है, बस आपके दूरी पूछ लिए, सिंपल। क्या करना है, 7 बजे, क्या बजे, 7 बजे, एक तो छोटी 7 बजे कितनी से 60 किमी प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 9 बजे। पहले तो हम 60 से क्या कर लें, हमें 7 बजे से 9 बजे तक चलाना है, 2 घंटे चली, कितने घंटे चली, पहली रेलगाड़ी 2 घंटे चल गई, पहली रेलगाड़ी क्या हुई, 2 घंटे चल गई। कहने का मतलब यह है कि 120 किमी आगे हो गई। एक रेलगाड़ी ये है, एक बता दें ये स्टेशन ए है, स्टेशन ए है, ये 2 घंटे पहले चली, तो इसका मतलब ये 120 किमी तो आगे हो गई, 120 किमी आ गई, यानी ये यहाँ पहुँच गई, एक रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँच गई। अब एक यहाँ से छूटती है, एक रेलगाड़ी यहाँ से छूटती है और ये यहाँ से चलेगी, ये कहाँ से चलेगी, यहाँ से। अब क्या है, और पकड़ी जहां भी जाए, जहां पकड़ी जाए वहां तक की आपको दूरी निकालनी। चलिए सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही दिशा में जा रही है, कहां जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। पहले तो ये बताओ कितनी दूरी चल गई है, इतनी पहले आगे चल गई, यानी इतनी दूरी ही कवर करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लेंगे। अब एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जब जाएंगे तो क्या होगा, चालें घट जाएंगी, यानी 100 में से हमें कितना घटाना है, इस 100 में से हमें घटाना है, इस वाले 100 में से हमें ये वाली चाल घटानी है, बड़ी में से छोटी चाल हमें घटानी है। तो 100 में से जब 60 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 40, वेरी गुड, 40 बचेगा, कितना बचेगा, 40, ठीक। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय, 40 से हमें समय निकालने, कितनी आ जाएगा समय, 0 से 0 काटोगे और 2 × 4 और 2 × 3 = 6, यानी 3 घंटे आ गया। टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 3 घंटे। अब 3 घंटे चला दें, क्या कर दें, 3 घंटे चला दें बाद वाली को, किसे, जो तेज चल रही है उसको चला दें 3 घंटे, या पहली वाली को 5 घंटे चलाना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे ही पहले चल रही है, तो हम बाद वाली को 3 घंटे चला दें। बाद वाली को 3 घंटे चलाओगे तो कितना, 3 घंटे में कितना चलेगी, 300 मीटर चलेगी, कितना, 300 मीटर चलेगी, 10 लगने से रह गया तो किमी आएगा, ये किमी में दे रखा तो ये भी क्या आएगा, किमी आएगा, क्या आएगा, 300 किमी आएगा, क्या, 300 किमी। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में 100 जाएगी तो 3 घंटे में कितना जाएगी, 300 किमी जाएगी, कितनी जाएगी, 300 किमी। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 300 किमी। चलिए अगला सवाल है, क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए से सुबह 8 बजे 8 किमी प्रति घंटे 80 किमी प्रति घंटे चाल से छूटती है, एक अन्य रेलगाड़ी उसी स्टेशन से
10 किमी प्रति घंटे की, 10 बजे 120 किमी प्रति घंटे चाल से छूटती है, कितनी दूरी पर ये लड़की इसको पकड़ लेगी। सेम है, 8 बजे से चली 10 बजे तक, यानी 2 घंटे चली, थोड़ा शॉर्ट में करा देते, 2 घंटे चली 80 किमी प्रति घंटे की चाल है, इतनी आगे हो गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना, समय निकालना है, क्या निकालना, समय निकालना है। सापेक्ष चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी 120 में से क्या करना, 80 को घटाना है। 120 में से जब 80 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 40। आपको बात समझ में आ रही होगी, 120 में से क्या करना, 80 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 40। 40 धुनी 80, यानी टी बराबर जो आ जाएगा हमारे पास 4 घंटे आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 घंटे। जो तेज वाली है यानी जो बाद वाली है उसको 4 घंटे क्या करना है, चला लें। बाद वाली कौन सी है, 120 है, 120 को हम कितना चला लें, 4 घंटे चला लें। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी निकल जाएगी, समय कितना आया तुम्हारे पास, 4 घंटे। तो सीधा हम गुणा करते हैं, 12 चौक 48, तो बता दिया कैसे चला 4 घंटे, नहीं 48 किमी आ गया, कितना, 480 किमी, कितना आया, 480 किमी, 480 किमी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल है, क्या है सवाल, देखिए इसी तरीके का सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताइए आंसर कितना आया है। सवाल करते रहें, अगर आपको समझ में आती है हमारी क्लास तो उसको शेयर भी करते रहें, दोस्तों को बताते रहें, और लगातार क्लास करें, लगातार क्लास करेंगे आपको क्लासें मिलती रहेंगी, और जो कमियां हैं वो बताते रहें हमें, पक्का समझ में आएगा, पक्का आप टेस्ट में कर लोगे। चलिए कितना आता है हमें कमेंट करके बताएं इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या है, देखो टाइप नंबर 11 आ गया, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होगा, अब अलग क्या है वो हमें देखना है, कितना अलग है। क्या कहा, दो स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है 420, इसे बनाना पड़ेगा हमें, बता देते हैं। दो स्टेशन है, एक तो ए है और एक क्या है बी, इनकी दूरी कितनी है 420 किमी है। चलिए बात समझ में आ गई, स्टेशन ए और बी के, स्टेशन ए से बी की ओर एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, जबकि स्टेशन बी से ए की ओर आधा घंटे बाद। इसका मतलब ये हुआ, पहले आधा घंटा ए को चला लें, पहले आधा घंटा किसको चला लें, एक ए से यहां चला लें, हम आधा घंटा चलाएंगे जब पहली रेलगाड़ी जो है वो कितने से 80 से चलती है, कितने से 80। अब आधा घंटे में कितनी चलेगी, ये पूरी कितनी थी, आधा घंटे में भाई चलेगी ये, एक घंटे में 80 जाएगी तो आधा घंटे में कितनी जाएगी, आधा घंटे में बाबू कितनी जाएगी, 40 किमी जाएगी, कितनी जाएगी, 40 किमी। बात समझ में आ गई होगी, एक घंटे में 80 तो आधा घंटे में कितनी, 40। उसने कहा ना आधा घंटे बाद, तो पहले तो आधा घंटे चला लो, अब टाइम इक्वल हुआ, अब एक साथ चलेंगे, ये इधर चलेगी, ये किधर चलेगी, इधर, और ये वाली किधर आएगी, इधर आएगी। अब क्या होगा, चालें जुड़ देंगे, लेकिन चालें जुड़ेंगी पहले बीच की दूरी तो पता कर लो कितनी है, तो बीच की दूरी कितनी बची, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 380 घटा दें, 40 घटाएंगे तो कितना, 380 बच जाएगा, कितना, 380, कितना बच जाएगा, 380। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूसरी चाल है कितनी, 110 किमी प्रति घंटा, पहली चाल कितनी है, 80 किमी प्रति घंटा, पहली वाली चाल कितनी है, 80 किमी प्रति घंटा, सही है। दूसरी चाल कितनी है, लिखते हैं, चाल वन कितनी है, चाल वन है हमारे पास 80 किमी प्रति घंटा, और चाल टू कितनी है, अरे सही हो गया, चाल टू है हमारे पास 110 किमी प्रति घंटा। सापेक्ष चालें क्या होंगी, सापेक्ष चालें भाई घट जाएंगी, अब घट जाएंगी या जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी ऐसे आ रही है, जुड़ेंगी, यानी 80 प्लस में कितना, 110। चाल बराबर दूरी कितनी बची, 380 बट्टे में समय, समय कितना, टी, यहां से कितना हो गया 190 धुनी कितना हो गया, 380। टी बराबर कितना आ गया, 2 घंटे, कितना आया, 2 घंटे। भैया 2 घंटे कैसा आया, 2 घंटे कैसा आया, ये जोड़ के कितना हो गया 190, और 190 से कट गया 2 बार, कितनी बार कट गया, 2 बार, 190 धुनी कितना होगा, 380, कितना होगा, 380। चलिए टी बराबर 2 घंटे आ गया, यानी बाद वाली ट्रेन को आप 2 घंटे चला दो, या जो ये दूरी है आपके पास, देखो 40 तो चल चुका है, 40 तो ये चल चुका है, पहला वाला जो पहली वाली रेल जो है 40 तो चल चुकी है, अब इसमें कितनी ऐड और करनी है, 2 घंटे वाली ऐड और करनी है,
कितनी एड करनी है, 2 घंटे और एड और करनी है, 2 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में 80, तो 2 घंटे में 160, कितना होगा 160 ये और 40 ये, कितना हो जाएगा 200 किमी दूरी पर ये क्या होगी, ए से 200 किमी दूरी पर उसको पकड़ ले या मिले, ए से 200 किमी दूरी पर। अगर हाँ उस दूसरी वाली को चलाते हम तो उसे 2 घंटे चलाते तो 110 ध्वनि कितना हो जाता, 220 इसमें से घटा देते, 420 में से टोटल इधर की वाली दूरी बच जाती, 220 घटाते तो भी कितना बचता, 200 बचता। तो बात आपको समझ में आई होगी, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इस पे आप विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, सवाल नंबर 34, सेम है ये भी, कहा 2 स्टेशन के बीच की दूरी 640, हम 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितनी देख रहे हैं, 640, एक स्टेशन ए है स्टेशन बी है, टोटल दूरी कितनी दी है 640। देखो कैसे चलाया, जैसे चलाया आप उसको वैसे ही कर दो। उसने ये कहा कि स्टेशन ए से बी की ओर रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटे हिसाब से जाती है, जबकि स्टेशन बी से ए की ओर आधा घंटे बाद, तो आधा घंटे में 80 से चली तो 40 तो चल गई, कितनी चल गई 40 किमी चल गई, बची कितनी 600 किमी, यहाँ से यहाँ तक बची 40 चल गई, तो हमारे पास कितनी बची 600। अब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, एक हो गई 120 और दूसरी कितनी हो गई 80, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी बटी 600 बटे समय निकालना है, कितना हो गया 200 टी बराबर आ जाएगा 3 घंटे। आप जानते हैं कितना हो गया जोड़ के 200 को किससे काट दें, 200 तिया 600 कितना हो गया 600, 3 बार कटेगा, टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 घंटे आ गई, 3 घंटे आप चला दो, 40 को जोड़ना है, 40 जोड़ना है 80 को, 3 घंटे चला दिया, 8 तिया 24, यानी 240 किस में जोड़ना है, 8 तिया 24, 240 में जोड़ना, तो 280 किमी दूरी पर मिलेंगी ए से, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी 280 किमी दूरी पर ए से मिलेंगी, 8 तिया 24 120 किमी प्रति घंटे की चाल से, दूसरी ये पहली 80 किमी प्रति घंटे की चाल से, दूसरी को भी अगर हम चलाते हैं, दूसरी को भी 3 घंटे चलाएंगे तो 120 को जब 3 घंटे चलाएंगे तो 360 हो जाएगा, स्टेशन बी से जो मिलेंगी वो मिलेंगी 360 पर, स्टेशन बी से 360 पर और स्टेशन ए से 280 पर, देखो स्टेशन ए से जो मिलेंगी वो स्टेशन ए से मिलेंगी 280 दूरी पर और सर 360 पर, जोड़ें 0, 8, 6, 14 का 4, 2 और 1 3 1 5 और 6, 640, यानी इसमें या तो ये पूछता स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन बी से बनता 360, अब उसने ए से पूछा तो ए से मिलेगा 280 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं बनना चाहिए, या आप यहाँ पर कर दो स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी तो 360 किमी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी तो 360 पर, तो वहां पे स्टेशन बी से कर देना, या फिर एक की बात होगी तो 280 पर मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 6 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता, लेकिन जब वह लेकिन जब वह 8 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। सिंपल है, आप इसको एक फार्मूला बता रहे हैं, याद रखें, पहली चाल गुणा में दूसरी चाल गुणा में समय का अंतर, समय का अंतर ध्यान रखें, अभी बताते हैं, बट्टे में कितना चालों का अंतर, बट्टे में क्या चालों का अंतर, मिनट में दिया तो घंटे में बनाने के लिए 60, ये क्या चीज आती है, दूरी आती है। समय का अंतर की बात समझ ले, मान लो हमें 7 बजे जाना है, कितने बजे जाना है 7 बजे हमें जाना है और हम पहुंचे कितनी बाद 5 मिनट देरी से पहुंचे, इसका मतलब 7:05 पहुंचे, कितने पे 7:05 पे, फिर हमने चाल बढ़ा दी तो हम पहुंच गए कितनी बजे भाई, टाइम से पहुंच गए 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुंच गए तो 6:55, सही है। तो यहां से जो समय का अंतर आया वो समय का अंतर कितना है 10 मिनट का अंतर है। इस चीज को आप समझ लें,
कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर दूरी दूरी दिया हो, इन देरी और पहले अगर दिया है, पहले या देरी, यानी उल्टा दिया है, देरी पहले अगर उल्टा दिया है तो वो समय क्या करना है, ऐड करना, जोड़ना, जैसे 5 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, तो ऐड कर दो, ठीक है, उल्टे दिए तो ऐड कर दो, एक से दिए तो घटा दो, जैसे कह दिया 10 मिनट पहले, फिर कह दिया 5 मिनट पहले तो घटा दो, एक से दिए तो घटाना है और विपरीत दिए तो जोड़ना है, बस इतना आप ध्यान रखें। अब इस सवाल को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, देखें सोल्व करने पे क्या बनता है। उसने क्या कहा, पहली चाल हमें कितनी दे रखी है, पहली चाल हमें दे रखी है 6 किमी, तो x का मान कितना, 6 किमी प्रति घंटा। दूसरी चाल दे रखी है कितनी, 8 किमी प्रति घंटा। कितने मिनट पहले पहुंच जाता है भाई, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, कितना, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगली कंडीशन में क्या है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देरी और पहले जोड़ दोगे, मिनट में दिया है, मिनट में दिया तो क्या करना है, मिनट में दिया तो घंटे बनाने, ये बन गए घंटे। चालों का अंतर कितना हो गया, चालों का अंतर हो गया 2। चाल बराबर यहाँ से क्या निकलेगी, दूरी निकलेगी, क्या निकलेगी, दूरी निकलेगी। 6 से कितनी बार कटा, 10, और 2 से कटा कितनी बार, 4 बार, 5 5 10, और 10 से ये भी कट गया, ठीक। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 किमी, कितनी आ गई, 4 किमी दूरी आ गई, कितनी आ गई, 4 किमी। ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, सेम है, डायरेक्ट रख देते हैं। देखो क्या कहा, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय की ओर 8 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता, पहली चाल कितनी, 8, ठीक, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता, 10, दूसरी चाल कितनी, 10, 10 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता। भाई देरी से समय दिया, एक समय कौन सा दिया है, एक समय दिया 6 मिनट पहले पहुंचता, एक देरी से पहुंचता 6 मिनट, 6 मिनट देरी से दिया, 6 मिनट पहले, उल्टे दिए जोड़ दोगे, चालों का अंतर 2 हो गया, मिनट में बनाने के लिए, घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग करोगे, 0 से 0 काट लोगे, 4 बार कट जाएगा, ठीक। कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 × 6 = 6, 12 / 6, 6 × 12 = 4 × 8, तो 8 किमी प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। अगला सवाल है 36 नंबर, क्या दे रहे हैं, अरे भाई आ जा नीचे, आ जा नीचे, नीचे नीचे नीचे, सेम सवाल है, आप निकालेंगे इसको, मिनट पहले पहुंच, देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत क्या है, अरे रुक जा, यहां पहले पहुंचता है और यहां भी पहले पहुंचता है, आपको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना, बता देते हैं, चलिए 10 किमी प्रति घंटे की चाल है, 12 किमी प्रति घंटे की चाल है, भाई एक बार पहले पहुंच गया, दूसरी बार भी पहले पहुंचा, 10 मिनट, 10 में से कितना घटा देंगे, 5, एक सी यूनिट है घटा देंगे, बटे में चालों का अंतर 2 ही रहेगा, और मिनट है घंटे बनाने के लिए, अब आप काट लेंगे, 2 से कितनी बार कट गया, 6, 5 बचा, 5 कितना बचा, 6 से 6 कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, 5 किमी आ जाएगा, कितना, 5 किमी, ये 6 बचा है, 1 6 ये है, 6 से 6 कटेगा, 6 से कितना कटेगा, ये वाला 6 यूं कट जाएगा, 5 बचेगा, वही इसका आंसर होगा। चलिए टाइप नंबर 13 है, सवाल नंबर 38 है, क्या करना, वैसे ही है जैसे आप सीखते चले आ रहे हैं, पहली चाल कितनी है, 18 है, दूसरी चाल कितनी है, 24 है, समय कितने मिनट देर से, 15 मिनट देर से, अगली बार में कितने मिनट पहले, 5 मिनट पहले, तो समय जुड़ जाएगा, यानी 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, बट्टे में चालों का अंतर 6, मिनट बना, मिनट दिया है, घंटे में बना दें, ये दूरी आएगा, ये क्या चीज आएगी, दूरी निकल के आएगी, ये क्या आएगी, दूरी निकल के आएगी, देख लें काट के, 3 बार कटेगा और 6 × 3 = 18 से 18 कट जाएगा, दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 24 किमी। सही समय पूछा, क्या पूछा, सही समय पूछा, निकाल देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल आप पहली वाली रख लें, पहली वाली चाल कितनी, 18, चाल बराबर दूरी कितनी आई, 24, समय निकाल देंगे टी, 24 किमी दूरी आई थी, टी बराबर आ जाएगा आपके पास 24 / 18, कितना कट जाएगा, 6 × 24 = 6 × 18, यानी टी बराबर जो आ जाएगा, 1/3 घंटे आएगा, मिनट में कन्वर्ट कर लें, 1/3 इसे ही कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा करके 20,
एक घंटा 40 मिनट, 20 बार, सॉरी, एक घंटा 20 मिनट कितना आया, 1 घंटा 20 मिनट आया, समय कितना आया, 1 घंटा 20 मिनट आ गया। अब क्या करना, उसने सही समय पूछा, पहली बार में कितनी देर से गया, 15 मिनट देरी से पहुंचा, नहीं 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचा है, इसमें भी देरी हुई है, कितनी देरी हुई है इसमें, 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचने के बाद देरी हुई है, इसमें 1 घंटा 20 मिनट में देरी हो गई उसे कितनी, 15 मिनट की, 1 घंटा 20 मिनट में देरी हुई है, कितनी देरी, 15 मिनट की। तो भैया राइट समय क्या होगा, राइट समय 1 घंटा 20 मिनट में से 15 मिनट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट आ जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट इसका आंसर सही होगा। आपको बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं, देखो क्या दिया है। मोहन 15 किमी की चाल से जाता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि 18 किमी प्रति घंटे चाल से जाता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। सही समय पूछा, सेम सवाल था, डायरेक्ट करते हैं, 15 किमी की चाल से गया, फिर 18 किमी की चाल से गया, 10 मिनट देर से पहुंचा, 4 मिनट पहले पहुंचा, 10 और 4 कितना हो गया, 14, बट्टे में कितना, 4 लोग का अंतर 3, गुणा में ये दूरी आ गई, ये क्या चीज आ गई, दूरी, 3 × 5 = 15, 5 से कटा कितनी बार, 12, 12 बार 6 × 12 और 6 × 3 = 18, 2 से काटा, 2 × 7 = 14, 7 × 21, दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई हमारे पास 21 किमी, कितनी आ गई 21 किमी। कैलकुलेशन आपसे उम्मीद करते हैं करनी आ गई होगी, कैलकुलेशन नहीं आई है तो आप बेसिक क्लास दे सकते हैं, मैथ 0 लेवल में आप देख लें, क्लास 1, 2, 3, 4 उसमें 0 से सिखाया है, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल पहली कंडीशन में कितनी दी है, 15, 15 बराबर दूरी कितनी निकल कर आई, 21, बटे समय कितना है, समय हमें क्या करना है, निकालना है, t बराबर आ जाएगा 21 बटे में कितना, 15, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 7 × 5 टी बराबर आ जाएगा, 5 × 5 = 5, 2 × 5 = 5, मिनट बना लें, मिनट बनाएंगे, 12 × 24, यानी टी बराबर आ गया 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट आया, उसमें क्या करना है, 1 घंटा 24 मिनट में कितनी देर से, 10 मिनट देर से वो पहुंची है, तो सही समय जो होगा 1 घंटा 14 मिनट होगा इसका आंसर। घटा देंगे 10 मिनट को, आप देर से पहुंची तो घटा दो, राइट समय आ जाएगा कितना, ठीक। सवाल नंबर 40 है, क्या दिया है, सेम दिया है, आपको निकालना है क्या करना है, ठीक है, निकाल लेंगे, उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को हल कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप है, एक व्यक्ति किसी दूरी को जाते समय 48 किमी प्रति घंटे की चाल से, लौटते समय 32 किमी प्रति घंटे से संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल के क्या होता है, औसत चाल एक तो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और एक होता है 2 गुणा पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटे में चालों का योग, बटे में चालों का योग। तो ये चाल जाते समय ये है, आते समय इस वाले में ये ऐड कर देंगे, 2 गुणा में 48, लौटते समय कितनी 32, चालों का योग कर देंगे, 48 + 32 कितना हो गया 80, जोड़ दें एक बार ऐसे ही, 48 + 32, बस ये औसत चाल आ जाएगी, कितना आ जाएगा देख लें इसे कैलकुलेट करके, कितना आएगा 2 गुणा में 48 गुणा में कितना 32 बटे में कितना 80, 2 से काटेंगे कितनी बार 40 बार, ठीक, 2 से 40 बार कटा, 8 से काटें 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 × 12 और 6 × 3 = 18, 6 × 12 6 × 3 = 18, 19 को भाग करेंगे 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, बचा कितना 4, 5 × 8 = 40, ये वाला आ जाएगा 5 × 20, सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी आपको आती है तो आप आसानी से कर लेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आपको दिक्कत होगी। ध्यान रखें औसत चाल का फार्मूला होता है 2 गुणा जाते समय गुणा में लौटते समय बटे चालों का योग, एक औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये 2 फार्मूलों पर सवाल लगते हैं, सभी बच्चे कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी इनको कर लोगे। एक सवाल और देखते हैं, ये भी सवाल क्या दिया है, ऐसे ही दिया है, आप इसको खुद करेंगे, करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
टाइप नंबर 15 है, इसमें क्या है आपके, हमने बताया एक फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो 100 किमी की दूरी है, 200 किमी की दूरी है और 300 किमी की दूरी है। चलिए कुल दूरी कितनी हो गई, 100 प्लस में 200 प्लस में 300, ये तो हो गई कुल दूरी बटे में कुल समय। समय कहां से निकालने, आप जानते हो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ऐसी समय निकालना है, ऐसी क्या निकालना है, समय निकालना है। तो जब समय निकालोगे तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अरे भाई ये जैसे गुणा में जाता है ऐसे ये नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी या ना आई, आ गई होगी समझ में। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी आई, कुल दूरी हमारे पास आई 100 प्लस में कितना 200 प्लस में कितना 300, कुल दूरी हो गई बटे कुल समय। तो कुल समय हमने बताया 100 से चला कितना 50 किमी प्रति घंटे से, ये आया प्लस 200 चला किससे 100 से, ये आया दूसरा समय। तीसरा समय क्या होगा, 300 किमी चला 75 से, 300 किमी चला किससे 75 से। यहां से कैलकुलेट करके समय निकालने, क्या निकालने, कैलकुलेट करके समय निकालने, दो बार कटा, दो बार कटा, काटे 25 या 75, 25 ही कम 25 बचा 5, 25 धुनी 50, 3 चुक 12, 4 बार कटा, यानी कुल समय कितना आया 2, 2 और 2 4 और 4 8, यानी ये दूरी आई कितने पास हमारे पास 600, 600 बटे में 8, तो ये आ जाएगा कितना 8 7 56, 8 7 56 बचा कितना 4 और 8 5 40, 75 किमी प्रति घंटा, ये क्या आ गई इसकी औसत चाल आ गई। तो जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय भी इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है औसत चाल निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल देखते हैं क्या है, सेम सवाल है, आप इसको सोते ही करें, करने के बाद में कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएं। चलिए ये भी ऐसी था, ज्यादा प्रैक्टिस अपने आप से करें तो अच्छा है। 45 सवाल लग चुके हैं, 45 के बाद बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।